डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मुड़गांव। आज हम बात करेंगे जून 2017 के मासिक भविष्यफल की। हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल एसोसिएट्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के लिए जून 2017 के मासिक भविष्यफल की। सर्वप्रथम शनिदेव का जो गोचर है उसके परिणाम स्वरूप नौकरी में परिवर्तन होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। कुछ लोग कार्य क्षेत्र के चलते घर से दूर रहेंगे। मशीनरी से जुड़ा कोई काम करते वक्त आपको सावधानी रखनी होगी। गुरुदेव का पंचम भाव से गोचर करना संतान को शिक्षा में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें भी उठानी पड़ सकती हैं। सट्टे व लॉटरी के काम से दूर रहने में ही आपकी भलाई दिखती है। अपने कार्य क्षेत्र में आपको कम मेहनत से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। राहु की चौथे भाव की स्थिति आपके लिए सिरदर्द बन सकती है। आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। दूसरी ओर माताजी की सेहत से भी जुड़ी परेशानी आपको सता सकती हैं। आप अपना निवास स्थान भी बदलने के प्रयास कर सकते हैं। भूमि मकान से जुड़ा कोई विवाद उग्रता का रूप ले सकता है। केतु के दशम भाव में गोचरी स्थिति के कारण बड़े अधिकारियों व सहयोगियों के साथ आपको तालमेल बिठाकर चलना होगा, वरना नौकरी जाने या तबादला होने की संभावना रहेगी। मंगल के दूसरे भाव में स्थिति व्यापार के द्वारा धन लाभ होने की ओर इशारा कर रही है। विदेशी स्रोतों से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जीवन साथी की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। सूर्यदेव का प्रथम भाव से गोचर करना आपके स्वभाव में क्रोध व उग्रता की वृद्धि कर सकता है। बुध व शुक्र की 12वें भाव की स्थिति आपके भोग विलासों में बढ़ोतरी करने वाली होगी। वहीं दूसरी ओर आपके खर्चों में भी अधिकता लाएगी। संतान शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश की ओर रुख कर सकती है। विदेश में कार्यरत जातक उन्नति के शिखर को छुएंगे इस समय के दौरान। अतः इन बातों का पूर्ण ध्यान रखते हुए अपनी कार्यशैली को और उन्नत बनाइए। बात करें पारिवारिक जीवन की तो घरेलू जीवन के लिए अवधि उलझनों भरी हो सकती है। राहु का चौथे भाव में गोचर करना आपकी मानसिक चिंताएँ बढ़ा सकता है। इस माह आपको किसी करीबी मित्र का बहुत ही आवश्यक समय पर सहयोग मिलेगा। आपकी माता को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान आपके निवास स्थान में परिवर्तन भी संभव है। काम धंधे के चलते भी आप परिवार से कुछ दूर रह सकते हैं। आपके पिता का स्वास्थ्य भी कुछ प्रभावित रह सकता है। संतान को शिक्षा में कुछ व्यवधानों का सामना करने की संभावना दिखती है। शिक्षा हेतु आपके बच्चे विदेश यात्रा की ओर रुक कर सकते हैं। जीवनसाथी से आपको विशेष आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। आप जीवनसाथी के साथ छुट्टियाँ मनाने भी कहीं जा सकते हैं। यदि आप हाल फिलहाल गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो अभी इसे टाल दें। केवल दिखावे के लिए गाड़ी लेना ठीक नहीं होगा। आर्थिक रूप से जून 2017 आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इस पर बात करते हैं। आर्थिक मोर्चे पर आपका खर्चा अधिक रह सकता है। पैसे से जुड़े किसी भी लेन देन को लेकर कोताही बिल्कुल ना बरतें। आर्थिक मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको लाभ पहुँचा सकती है। जो लोग कुछ नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में कोशिशें बढ़ाने से आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। छोटे समय पर किए गए निवेश आगे चलकर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को यह अवधि अच्छा मुनाफा देने वाली हो सकती है। पैसों के मामले में किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें। प्रेम व वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा नज़र आ रहा है। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग खूब बैठेगी और आप एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझते हुए रिश्ते में आत्मीयता को बढ़ाएंगे। आपकी आपसी समझ में वृद्धि होगी। इस दौरान उनके लिए आप वस्त्र या आभूषण की खरीदारी भी कर सकते हैं। यदि विवाह के इच्छुक जातकों की कहीं बात चल रही है तो उसमें अवरोध आ सकता है। ये माह प्रेम संबंधियों के लिए प्रतिकूल नजर आ रहा है। इस दौरान आप में प्रेम भावनाओं का आवेग रहेगा और आप उन्हें प्रकट करने के लिए उतावले रहेंगे। हालांकि आपके प्रिय पात्र की स्थिति इस तरह की नहीं होगी, इसी कारण आपको प्रेम संबंधों में अधिक मज़ा नहीं आएगा। यदि संभव हो तो इस अवधि में अपने प्रेमी के साथ विनम्रता से पेश आएं और उनकी बातों को भी समझने का प्रयास करें और एक दूसरे को समय दें।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि आठवें भाव से सातवें भाव की ओर जाता हुआ शनि शुभ संकेत नहीं दे रहा है। इस अवधि में आपको पूर्णतः सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि चोट लगने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। प्रथम भाव में सूर्य की स्थिति आपके क्रोध और व्याकुलता को भी बढ़ा सकती है। आप अधिक भावुक होने के कारण मानसिक बेचैनी महसूस कर सकते हैं। यदि अपने खाने पीने के मामले में सतर्कता नहीं बरतते हैं तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्य का अत्यधिक बोझ आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाला सिद्ध होगा। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने फिरने का आयोजन करें, जो आपको ताजगी प्रदान करेगा। ब्लड प्रेशर, मधुमेह व हृदय रोग से पीड़ित जातकों को अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी जून के महीने में। आपके लिए उपाय है कि किसी गरीब स्त्री की मदद कीजिए, किसी भी रूप में आपके लिए हितकारी रहेगा। इस माह की शुभ तारीखें होंगी 6, 15 और 24, और जो तारीखें जिनमें आपको अच्छे कामों को टाल देना चाहिए ऐसी तारीखें रहेंगी 1, 13, 19, 25 और 29। तो ये था वृषभ राशि का जून 2017 का मासिक राशिफल। हमारे इसी भी तरह और भी अन्य मनोरंजक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एसोसिएट्स टीवी को, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अपनी भविष्य से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अभी डाउनलोड कीजिए एसोसिएट्स कुंडली ऐप को और पाइए 50 पृष्ठों की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। आप सभी से पुनः मिलने का वादा करते हुए आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।